हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्टी बेस्टी। तो चलिए आज हम लोग अपने गार्डन को कुछ इस तरह से सजाएंगे। लग रहा है ना खूबसूरत सा? तो चलिए आइए देखते हैं इसको कैसे बनाएं। पर उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरे आगे की वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको कितने आसान तरीके से हम लोग घर पे ही बना सकते हैं, और इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा मटेरियल की ज़रूरत भी नहीं पड़ने वाली। तो इसके लिए मैंने ये प्लास्टिक के दो पॉट्स लिए हुए हैं, और इसको कलर करने के लिए आप कोई भी मनचाहा कलर ले सकते हैं। मैंने तो येलो और ब्लैक लिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसमें अपने ड्रेनेज होल बना लेंगे, क्योंकि इसमें हमें अपना प्लांट भी लगाना है। ये प्लास्टिक के पॉट्स में ड्रेनेज होल ज़्यादातर नहीं बने होते हैं, इसलिए मैंने इनको घर में ही बना लिया हुआ है। और ये दो होल मैंने ऊपर की साइड, एक ये और एक ये, और ये दो होल मैंने नीचे की साइड ये बनाए हुए हैं। इन होलों की मदद से हम इसके हाथ और पैर का आकार, नीचे के दोनों होल तो बराबर डिस्टेंस पे बने हुए हैं और ये ऊपर वाले थोड़ा हाफ पास में बने हुए हैं। और इस दूसरे वाले पॉट में मैंने कोई होल नहीं किया हुआ, इसमें सिर्फ ये ड्रेनेज होल लिए नीचे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जिसमें ये होल बनाए हुए थे उसको कलर कर लेंगे, और उसके लिए मैंने ये कलर लिया हुआ है। आप इसको ब्रश की मदद से भी कलर कर सकते हैं, और चूँकि मुझे काम करना है और ये जल्दी से सूख जाए इसलिए मैंने स्प्रे कलर किया हुआ है। जिस पॉट में मैंने एक्स्ट्रा होल बना रखे थे हाथों और पैरों के लिए, उस पर मैंने ये येलो कलर किया हुआ है। चलिए मेरा हो गया, अब इसको हम कुछ देर सूखने के लिए रख देंगे। तब तक हम लोग ये मैंने ये डिस्पोजल ग्लास थर्मोकोल के लिए हुए हैं, इस पर कलर कर लूँगी। तो दो दो के सेट में दो ग्लास एक साथ लेके मैं दो सेट पैरों के लिए दो दो के सेट में बनाऊँगी, और एक एक सिंगल ग्लास में हाथों के लिए एक एक सिंगल ग्लास में करूँगी ये सिंगल। और चूँकि इसमें स्प्रे पेंट में काफ़ी केमिकल्स होते हैं, और ये जब थर्मोकोल के ग्लास में इसमें स्प्रे करो तो ये बहुत जल्दी गलने सा लगता है, तो इसको हल्का हल्का ही आप कीजिए। और उसी तरह से सेम ये ब्लैक में दो दो सेट लेके दो पैरों के लिए और एक सिंगल सिंगल हाथों के लिए, और इसमें हमें पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें नीचे थोड़ा सा ही हमें ब्लैक का ये बेस बनाना है, तो थोड़ा सा नीचे की साइड करने की जरूरत नहीं है, और इसको सूखने के लिए रख देते हैं। तब तक आइए दूसरे पॉट में हम लोग अपना कर लेते हैं काम। और इस पे मैंने ये कुछ अपना मनपसंद ये इसका फेस ड्रा किया हुआ है, आप कोई भी मनपसंद अपना चूज कर सकते हैं। मैंने इसकी नाक बना दी और ये माउथ बन गया इसका। ब्लैक की सारी डिटेलिंग मैंने ये अपने मार्कर से ही कर दी है, क्योंकि ये परमानेंट मार्कर है और पानी में घुलेगा नहीं कलर। आप चाहे तो इसकी जगह अपना कलर यूज कर सकते हैं। आप कोई भी इसमें अपनी मनचाही फिगर बना सकते हैं। मेरे पास पहले से ही एक इसी तरह का बना रखा हुआ है, तो मैं दोनों एक ही तरह के सेम बनाना चाहती हूँ, इसलिए मैंने उसी तरह के बना लिया है। अब ये थोड़ी सी व्हाइट की शेडिंग दे देते हैं।
थोड़ा सा ब्लू कलर देने से आगे और भी सुंदर दिखेगी। ये देखिए लग रही है ना खूबसूरत सी। थोड़ा सा पिंक कलर देंगे, क्योंकि पॉट भी उसी कलर का है तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन मैंने थोड़ा सा पिंक अटैच दिया हुआ है। अब ब्लैक कलर से हम इसके बाल बनाएंगे। कोई भी पतला ब्रश ले लीजिए आप, और उस पतले ब्रश की मदद से आप आराम से इसके बालों को रोक दे सकते हैं। अब ये मेरा बनके तैयार हो गया। हम दूसरा पॉट ले लेंगे और इसमें हम इसके ड्रेस का शेप देंगे। और मैं इसको एक गर्ल का शेप देना चाहती हूँ, तो इसके लिए मैं एक ये इसकी थोड़ा सा फ्रॉक का लुक देना चाहती हूँ, और इसके लिए मैंने ये कॉलर बना लिया है इसकी फ्रॉक का, शर्ट का, और इसको मैं कलर कर लूँगी रेड कलर से। आप चाहें तो इसमें कोई अच्छा सा डिज़ाइन भी बना सकते हैं। एक्चुअली वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैंने जल्दी से यही डिज़ाइन जल्दी से ड्रॉ कर लिया है। ये मैंने इसके कॉलर का शेप दे दिया। ईयरबड की मदद से हम इसमें कुछ भी डिजाइन बना लेंगे। मैंने तो ये पोल्का डॉट्स ही बनाए हुए हैं, क्योंकि ये जल्दी हो जाएंगे। और आप चाहें तो इसमें कोई भी सुंदर सा डिजाइन कुछ भी बना सकते हैं। मुझे तो जल्दी में कि पोल्का डॉट्स ही समझ आया, तो मैंने जल्दी से वही डॉट्स बना दिए। अब ये हमारा बन गया तैयार। अब ये मैंने ये नायलॉन की रस्सी के टुकड़े ले लिए हुए हैं, जिसमें से हम ये अपने हाथ और पैर का शेप देंगे। एक येलो और एक ब्लैक, दो लेके हम इसके हाथों का शेप देंगे। येलो वाला ऊपर और उसके अंदर ये ब्लैक वाला डाल के, और अंदर से हम इसमें नॉट लगा देंगे। दो नॉट लगा देंगे जिससे कि ये खुले ना, क्योंकि नायलॉन है और गांठ आराम से सरक जाती है। चलिए एक तैयार हो गया। अब ये दूसरा भी हम इसी तरह से बना लेंगे। ब्लैक वाला नीचे ग्लास रखेंगे और येलो वाला ऊपर, और अंदर से गांठ लगा के दूसरा हाथ भी तैयार कर लेंगे। ये हमारे हाथ तैयार हो गए। इसी तरह से हम इसके पैर भी तैयार कर लेंगे। पैरों के लिए मैंने ये रस्सी के टुकड़े थोड़े से लंबे रखे हुए हैं, और ग्लास भी दो दो रखे हुए हैं, दो येलो और दो ब्लैक। तो दो ऊपर, वही सेम प्रोसेस, दो ऊपर येलो ऊपर रखेंगे और ब्लैक वाले नीचे, और इसमें हम नीचे से इसमें भी नॉट लगा देंगे। इसी तरह से हम दूसरा पैर भी तैयार कर लेंगे, दो येलो और ये दो ब्लैक। ये हमारे दोनों पैर भी बनके तैयार हो गए। तो चलिए इसमें हम ये अपने लगा देंगे दोनों पैर। इसमें ये जो मैंने होल किया हुआ था उसमें रस्सी डाल के
अंदर की तरफ से इसमें गांठ लगा देंगे। इसी तरह से हम दूसरा पैर भी गांठ लगा के ये दूसरा पैर भी तैयार। चलिए अब हम इसके हाथ भी अटैच कर देते हैं ऊपर वाले छेद में। ये अंदर से इसमें नॉट लगा के इसके हाथ भी अटैच हो गए। मैं थोड़ा सा स्क्रू ड्राइवर की मदद से थोड़ा सा होल बड़ा किया और आराम से चला गया। तो चलिए इसमें भी अंदर से नॉट लगा देंगे। अभी हमारे हाथ और पैर दोनों अच्छे से अटैच हो गए। तो चलिए अब ऊपर का हिस्सा भी, और इसके लिए मैंने थंब पिन लिए हुए हैं और इसकी शर्ट में ये मैं ये दो तीन थंब पिन लगा के ये बटन का लुक दे दूँगी। आप इसमें कलर भी कर सकते हैं, जस्ट मैंने एक बटन का लुक दिया हुआ है जैसे शर्ट के बटन है। अब ये इसके साथ ये अटैच करने के लिए ये मैंने एक सीध में दो दो दोनों साइड होल किए हुए हैं, चार चार होल इसमें और चार होल इसमें। ये आराम से आप कोई नुकीली चीज़ या चाकू कोई भी गर्म करके और आराम से हो जाएंगे, लेकिन ये दोनों पॉट्स का एक सीध में होना चाहिए क्योंकि इसमें हमें अपना ये वायर डालना है और ये वायर की मदद से हम लोग इसमें अटैच कर देंगे। ये वायर का दूसरा सिरा इसमें डाल के मेरा वायर थोड़ा सा पुराना है, थोड़ा सा तोड़ा मोड़ा है, इसलिए थोड़ी सी डालने में प्रॉब्लम हो रही है। हो गया, इसको अंदर की साइड से हम अच्छे से इनको एक दूसरे के साथ लपेट देंगे जिससे कि ये ऊपर ना निकले और ये हमारा फिक्स हो गया। ये दोनों पॉट्स आपस में फिक्स हो गए। और इसको मैं एक लड़की का रूप देना चाहती हूँ तो इसके लिए मैं इसकी चोटी भी बनाना चाहूँगी जिससे कि ये एक सुंदर सी लड़की लगे। और इसके लिए मैंने पॉलीथिन के ये पीसेज ये पतले पतले काट के और ये लिए हुए हैं और तीन पीसेज को मैंने स्टेपल कर दिया हुआ है एक साथ और इसको एक चोटी की तरह इसको हम गूंथ लेंगे। ये देखिए लग रही है ना बिल्कुल छोटी सी, और इसको जैसे हम पोनीटेल बनाते हैं उसी तरह से हम इसको गूंथ लेंगे। लास्ट में इसको एक टेप की मदद से इसको हम यहाँ पे चिपका देंगे। नीचे से हम कैंची की मदद से इसको पतला पतला सा काट देंगे जिससे इसके बालों का लुक आए। और ये मैंने प्लास्टिक की पॉलीथिन से ये छोटे छोटे से फ्लावर्स बनाए हैं, ये इसमें स्टेपलर की मदद से इसमें लगा देंगे। आप चाहें तो इसमें खूबसूरत से छोटे छोटे बच्चों के रबर बैंड्स पड़े होते हैं, आप उसमें
वो भी लगा सकते हैं। मेरे पास चूँकि थे नहीं इसलिए मैंने ये प्लास्टिक के फ्लावर्स बना रखे हैं छोटे छोटे। और ये इसमें ये थंब पिन जो मैंने बटन का शेप दिया था उसी तरह की ये थंब पिन से मैंने इसको ऐसे अटैच कर दिया है। आप चाहें तो इस चोटी को नीचे की तरफ से भी लगा सकते हैं। ये थंब पिन इसमें लगा दिया और इसमें ये आराम से चिपक जाएगा। तो चलिए अब ये हमारा बिल्कुल बनके तैयार है। और इसमें आप मिट्टी भर के कोई भी अपना मनपसंद पौधा लगाइए और सजाइए अपने गार्डन में। तो चलिए इसको गार्डन में रख के देखते हैं इसका कैसा लुक आता है। तो देखिए जब आप अपने इसको गार्डन में सजाएंगे तो बिल्कुल ऐसा लुक आएगा, मुझे तो बहुत खूबसूरत लगी अपने गार्डन में। तो चलिए आप भी बनाइए, अगर आपको अच्छे लगें तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए।